अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। हम फिर आए हैं उसी केस को आगे बढ़ाते हुए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन को सर्विसेज की कैटेगरी में कंसिडर किया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश्ड अदालतों, कंज्यूमर कमीशंस को ये राइट है, ये ज्यूरिडिक्शन है कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को डील कर सके। हमने केवल सर्विसेज तक ही बात की थी। अब हम बात करेंगे कि यदि मेडिकल प्रोफेशन को सर्विसेज मान लिया जाता है तो हम डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर कोई बहुत ही स्पेशल स्किल का मालिक हो? तो हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि हर व्यक्ति एक साधारण स्किल का मालिक होता है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल का मालिक हो हर डॉक्टर। एक साधारण स्किल का मालिक हो और जो उसको अपने प्रोफेशन में करना चाहिए उसको करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। यदि वो जो किया जाना चाहिए उसको इग्नोर कर देता है और जो नहीं किया जाना चाहिए उसको कर देता है तो भी वो नेग्लिजेंट होगा। अब पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप पर भी बात की गई कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक विश्वास का नाता होता है। डॉक्टर को अपने पेशेंट की केयर होती है। इस विश्वास के बीच में ये कमर्शियल बात नहीं आनी चाहिए, ये सर्विसेज रेंडरिंग और सर्विसेज हायरिंग की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात हो जाती है। तो यहाँ पर इस शब्द की फिर व्याख्या की गई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, इसको भी डिटेल में चर्चा की गई और इसको आगे ले जाकर पेमेंट से भी जोड़ा गया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में डिस्टिंक्शन की गई। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में है कि आप सर्विसेज हायर करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्टिकुलर सर्विस ऑफ मेडिकेशन। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, आपको जो भी अपॉइंटमेंट कभी कहीं होता है, कोई एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देता है, वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ चलकर आगे बात ये भी हुई कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होती है, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में अपॉइंटेड होते हैं, उनको वहाँ से सैलरी मिलती है, उनको पर्टिकुलरली किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के पैसे नहीं मिलते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है जिसमें पैसे देकर सर्विसेज हायर की जाती है एक पर्टिकुलर केस के लिए। इसलिए और ये माना गया कि ये आस्था का विश्वास का रिश्ता एक अलग बात है, डॉक्टर की अपनी नैतिकता है कि इसमें उसको सर्विसेज से बाहर करने की कोई बात नहीं है। हम आपको फिर एक बात बता दें, बात यही नहीं रुकी थी, डॉक्टर्स ने लगातार कोशिश जारी रखी। 2002 में फिर एक निर्णय हुआ था, जे मर्चेंट केस के नाम से एक केस था, इसमें भी डॉक्टर्स ने फिर वही प्ली ली कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड ये अदालतें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उतनी दुरुस्त नहीं हैं। ये बात सही थी, उस समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उतना मजबूत नहीं था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की थी स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि वो इन अदालतों की स्थिति को मजबूत करे, टाइम पर सारी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, कहीं कोई भी वैकेंसी प्रेसिडेंट की या मेंबर की खाली नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी आवश्यकता है इन अदालतों चलाने की उन सबको पूरा किया जाए। तो इसका समाधान को कोर्ट ने इस तरह से किया था। मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये दावा था इन अदालतों में अपॉइंटेड मेंबर्स और प्रेसिडेंट को मेडिकल प्रोफेशन की बारीकियों की जानकारी नहीं होती, इसलिए इनको इन अदालतों में नहीं जाने चाहिए। फिर वही सवाल, यहाँ पर फिर वही जवाब दिया गया, यदि मेडिकल प्रोफेशनल की इस बात को मान लिया जाए तो देश भर में कोई भी अदालत काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक जज अधिक से अधिक एक ही विषय का जानकार हो सकता है, सारे विषयों का जानकार नहीं हो सकता। बात यही नहीं रुकी, फिर 2009 में मार्टिन डिजूजा नाम का एक केस सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया, जिसमें ये कहा गया कि जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन न आ जाए
तब तक डॉक्टर को नोटिस न दिया जाए, इसको भी खारिज कर दिया गया 2009 में ही मलय कुमार गांगुली नामक के केस में। ये कह दिया गया कि मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन एक एडवाइजरी होती है, निर्णय नहीं होता, निर्णय उसके आधार पर हो ये आवश्यक नहीं। और उसके बाद निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के केस में भी फिर ये तय हो गया कि कोई आवश्यक नहीं कि हर केस में एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाई ही जाए। अगेन इन 2019 जब ये नया एक्ट बन रहा था और पार्लियामेंट में जब पेश किया गया, तो डॉक्टर्स के प्रेशर से ही हेल्थ केयर शब्द जो डाला गया था उसको निकलवा दिया गया। फ्रेंड्स, शब्द निकल गया है, स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। हेल्थ केयर शब्द 1995 के इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता के केस से पहले भी नहीं था, और यदि आज भी नहीं है तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। मेडिकल प्रोफेशन इज वेरी मच अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंसिडर्ड एज सर्विसेज। तो सेवा की परिभाषा में मेडिकल प्रोफेशन पूरी तरह से आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा जब तक इस एक्ट में सर्विसेज को डील किया जाता है। हम वी शांता के केस की बात करते हैं कि तीन स्टेप्स डॉक्टर को फॉलो करने जरूरी है। पहला कि ये जो पर्टिकुलर केस उसके पास आया है उसको उसे ट्रीटमेंट के लिए स्वीकार करना है या नहीं करना है, क्या उसके पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो इस केस में उसको आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, ये सारी चीज़ें जब उसके पास होंगी तभी वो उस केस को स्वीकार करेगा। दूसरा, यदि उसने केस को स्वीकार कर लिया है तो उस केस में उसने क्या डायग्नोज किया है और उसने क्या तय किया है कि वो क्या उसको ट्रीटमेंट देगा। हम आपको बता दें, मेडिकल प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में किसी भी चीज़ को डील करने के लिए कई तरह के मेथड्स होते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में भी यदि एक केस को डील करने के 5 मेथड्स हैं तो हर डॉक्टर अपनी कैपेबिलिटी, अपनी बुद्धि और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी एक मेथड को चुन सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर को वो उस मेथड को चुनना होगा और ट्रीटमेंट को डिसाइड करना होगा, ये उसका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि जो उसने डिसाइड किया था, जो उसने डायग्नोज किया था, उसके अकॉर्डिंगली उसने ट्रीटमेंट दिया है या नहीं। यही एक डिमार्केशन लाइन होगी कि उसने डिसाइड कुछ किया, डायग्नोज कुछ किया और दवा कुछ और दे दी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तीनों स्टेप्स जो हैं एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और तीनों स्टेप्स डॉक्टर को बड़े ही सावधानी से तय करने चाहिए, ये तो डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी बात कि डॉक्टर के पास यदि 5 मेथड्स हैं और 5 में से यदि वो एक मेथड को चुन लेता है और वो यदि ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं लगता या उसको ज़्यादा आराम नहीं मिलता या उसकी डिजीज उससे दूर नहीं होती, तो डॉक्टर इसमें नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि वो 5 मेथड्स में से जो भी मेथड चुनता है वो मेथड मेडिकल प्रोफेशन में एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हो और उसको स्वीकृति मिल चुकी हो, वो अपने मन से कोई मेथड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। ट्रीटमेंट न लगने के कारण आपका एज फैक्टर हो सकता है कि अगर आपकी आयु 70 साल की है और आपको कुछ कुछ बीमारियां ऑलरेडी हैं, बीपी हाई रहता है या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मामले में बहुत तेज़ दवाएं डॉक्टर नहीं दे सकता, तो ये भी कारण हो सकता है स्लो ट्रीटमेंट का। दूसरा, आप पेशेंट को किस स्टेज पर लाए हैं, आपकी वो बीमारी कितनी बढ़ गई है, बढ़ जाने के बाद आप जब लाए हैं तो उसको क्योर करने में, उसको बैक करने में समय लगेगा, तो ये भी एक कारण होता है स्लो ट्रीटमेंट का। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर जजमेंट में कहा है कि डॉक्टर इज़ नॉट इंश्योरर, डॉक्टर कोई आपका इंश्योरर नहीं है, कोई आवश्यक नहीं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, वो अपनी कोशिश करेगा, कोशिश उसकी ईमानदारी से होनी चाहिए, कोशिश उसकी मेडिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए,
अपने आप से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको मेडिकल लिटरेचर की भी बात बताएंगे। मेडिकल लिटरेचर की बात अमूमन पब्लिक करती है कि हमने तो मेडिकल लिटरेचर लगाया था और उस लिटरेचर के अकॉर्डिंगली तो हमारी डिजीज़ ये थी और इसको ऐसे राहत मिलनी चाहिए थी, किंतु नहीं मिली है, डॉक्टर ने कोताही की है और डॉक्टर ने उन मेडिकल लिटरेचर्स को फॉलो नहीं किया। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, मेडिकल लिटरेचर भी दो तरह से होता है। जब कोर्ट्स में मेडिकल लिटरेचर लगाया जाता है तो जजेस को और कोर्ट्स को उसको स्क्रूटनाइज करना होता है। एक मेडिकल लिटरेचर होता है डॉक्टर्स के अपने आर्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो ये एक लिटरेचर हुआ जो एक्सपेरिमेंटल होता है। और एक होता है जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, जो तय हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है और मेडिकल प्रोफेशन में जिसको स्वीकार कर लिया गया है वो एक्चुअली लिटरेचर होता है जिसको मान्यता देता है कोर्ट। तो कोर्ट को ये देखना होता है कि किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। तो यहाँ पर भी रोगी इस तरह की बात करके भी मेडिकल प्रोफेशनल को नेग्लिजेंस के लिए सू नहीं कर सकता, करता है तो सक्सेसफुल नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए नेग्लिजेंट माना जाएगा मेडिकल प्रोफेशनल। देखिए, आपके किसी अंग को नुकसान हो गया, सर्जरी गड़बड़ हो गई, सर्जरी में आपसे कंसेंट ही नहीं ली, जिस बात के लिए सर्जरी करनी थी उससे अलग कुछ और सर्जरी कर दी, ये कहकर के इमरजेंसी में करनी पड़ी, या आपको रॉन्ग डायग्नोस कर दिया गया, या रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, रॉन्ग मेडिसिन दे दी, कुछ भी जो आपको नहीं करना चाहिए आपने कर दिया और जो आपको करना चाहिए उसको आपने इग्नोर किया, इन ऑल सर्कमस्टांसेस आप नेग्लिजेंट होंगे मेडिकल प्रोफेशन के लिए। इसके अलावा सारी पैरामेडिकल सर्विसेज के लिए भी मेडिकल प्रोफेशन को नेग्लिजेंट माना जा सकता है। पैरामेडिकल सर्विसेज में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होती हैं, असिस्टेंस होती है, स्टाफ की असिस्टेंस होती है, नर्सिस की, डॉक्टर्स की, इक्विपमेंट्स की, सारी पैरामेडिकल सर्विसेज के लिए भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है यदि उनकी कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जनरेटर नहीं है, आपका ऑपरेशन करते करते लाइट चली गई, ये सारी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए भी पेशेंट कंज्यूमर डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए कोर्ट के सामने जवाबदेह बना सकता है। तो फ्रेंड, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पेशेंट की कंसेंट लेना। आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सबसे पहले आपको पेशेंट को बताना ज़रूरी है कि आपको क्या है प्रॉब्लम और आपका क्या इलाज किया जाएगा। बाकायदा उनकी डायरी में ये केस हिस्ट्री की तरह से लिखा जाना चाहिए और ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो हर समय जब भी कोई इंजेक्शन दे, जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो उसकी नोटिंग करे। तो यदि ऐसा नहीं करता है तो भी डॉक्टर नेग्लिजेंट होगा। और यदि केस हिस्ट्री नहीं देता, डिस्चार्ज समरी नहीं देता, कोई डॉक्यूमेंट रोकते हैं हॉस्पिटल्स, उसके लिए भी मेडिकल नेग्लिजेंस मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जिसके लिए डॉक्टर्स को सर्विसेज रेंडर करने के दौरान नेग्लिजेंट माना जा सकता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर संबंधी अदालतों में आप अपना केस लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। हमें इतने धैर्य से सुनने के लिए